हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर आप इस तरह बनाना चाहते हो तो ये नहायत ही आसान है। इसके लिए आप लोगों ने सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ओपन करना है अपना कैन मास्टर। कैन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ 16:9 पर क्लिक करना है और इसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है और एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और बैकग्राउंड को अपनी मर्जी के मुताबिक टाइमिंग देना है, जितनी सेकंड्स की आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो इसके बाद स्टार्ट पोजीशन पर आना है, लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं एक फुटेज यूज़ कर रहा हूँ। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ करना है। तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है हैप्पी बर्थडे। और इसके बाद यहाँ डबल ए पर क्लिक करना है और फॉन्ट्स आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट करने हैं, जिस फॉन्ट्स को आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो इसके बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है और बैकग्राउंड जितना टाइमिंग देना है। फिर यहाँ स्टार्ट पोजीशन पर आ रहा है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं एक कलर फुटेज यूज़ कर रहा हूँ। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ करना है। तो इसके बाद यहाँ क्रॉप पर क्लिक करना है और इसको इस तरह क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद इसको इस तरह जूम कर लेना है और यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इस तरह क्रॉप पर क्लिक करना है और इसको इस तरह क्रॉप करना है, ठीक है। क्रॉप करने के बाद इस ग्रीन स्क्रीन फुटेज पर क्लिक करना है, नीचे आना है ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग में आने के बाद इसको रखना है मल्टीप्लाई में और ओके करना है। ओके करने के बाद क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस तरह ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद यहाँ लेयर पर क्लिक करना है और जिसको आप विश करना चाहते हो उसका एक पिक्चर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस पिक्चर को यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो इसको अपने इस तरह फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ क्रॉपिंग पर क्लिक करना है, मास्क ऑन कर लेना है और शेप भी ऑन कर लेना है और ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद इस फुटेज पर क्लिक करना है, क्रॉप पर अगेन क्लिक करना है और इसको इस तरह कम कर लेना है और ओके करना है। ओके करने के बाद इसको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है और इसको करना है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद इसको इस तरह ड्रैग कर लेना है, बैकग्राउंड जितना टाइमिंग देना है। स्टार्ट पोजीशन पर आना है और यहाँ पर जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज था उस पर क्लिक करना है, नीचे आना है क्रोमा की में और इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर का एक डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद एक पर क्लिक करना है, नीचे आना है कलर एडजस्टमेंट में। कलर एडजस्टमेंट में इसका ये कलर आप लोगों ने इस तरह हाई कर लेना है। इस दूसरी फुटेज पर क्लिक करना है, कलर एडजस्टमेंट में आना है और इसका ये कलर एडजस्टमेंट इस तरह कम कर लेना है। कम करने के बाद या इस फुटेज पर क्लिक करना है और ऑल एलिमिनेशन पर क्लिक करके प्लिकर पर क्लिक करना है। प्लिकर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस ग्रीन स्क्रीन फुटेज पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद यहाँ पर इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद यहाँ पर जो कलर था उस कलर पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और उसको भी ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें वो तमारे सारे इफ़ेक्ट्स जो है ना वो ऐड हो चुके हैं। तो इसके बाद लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं एक दूसरा फुटेज यूज़ कर रहा हूँ। इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ करना है। इसको इस तरह फिट टू स्क्रीन करना है। फिट टू स्क्रीन करने के बाद यहाँ इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है ब्लेंडिंग में और इसको रखना है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर रखने के बाद एंड पोजिशन पर जाना है और यहाँ से इसकी फालतू के हिस्से इस तरह ट्रिम कर लेने हैं।
तो इसके बाद इसे सेव करने के लिए हर शेयर के बटन पर क्लिक करना है और एक्सपर्ट पर क्लिक करना है, तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कोई अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।